कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में जो भी प्लेन में बचा है उस पार्ट को कंप्लीट करने का होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो बीच चैप्टर है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो भी दो चार पॉइंट बचा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ सवाल भी देख लेंगे जो ऐसा कॉम्पिटिशन में आ रहा है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स था उसमें क्या था कि अगर कोई प्लेन है मान लीजिए और दो पॉइंट दे दिया, वो प्लेन के जैसे एक प्लेन है दो पॉइंट सेम साइड में है, या एक अगर लेफ्ट में है प्लेन के तो एक राइट में है, मतलब दे आर ऑन अपोजिट साइड, ये चेक करना रह गया था। फिर अगर किताब का दो तीन पन्ना को अगर आप देखेंगे अलग अलग करके एक साथ, ऐसे बंद किताब नहीं, किताब को अगर पूरी तरह से खोल दे तो एक पेज मान लीजिए ऐसे ऐसे और एक ऐसे बीच में, तो यहाँ पे वो पार्ट तो हम लोग देख चुके कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा प्लेन P1 + λ P2 = 0, लेकिन एकदम ठीक बीच में हो, ये एक प्लेन ये दूसरा प्लेन, और यहाँ पे एक प्लेन ऐसा हो जो कि इसके एंगल बाइसेक्टर का काम करे, या एक प्लेन ऐसा हो ये इन्फाइनाइटली प्रोड्यूस्ड है तो ये ऐसे आया तो एक एंगल बाइसेक्टर इधर भी हो सकता है, तो वो एंगल बाइसेक्टर का बात करना रह गया था, ठीक है। तो वो एक एक करके देख लेते हैं और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी कोई दिक्कत हो तो क्या करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई 3D में कोई बॉडी सोचना है, क्यूब सोचना है, तो अगर क्यूब के बारे में सोचना है तो आप समझिए कि ये क्लासरूम क्यूब है, ये 0 0 0 सब बराबर है, वो क्या हो जाएगा, उसका अगर बात करें डायगनली जो अपोजिट जो वहां दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू देखेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर ए यूनिट मान लीजिए इसके साइड का लेंथ है तो पता चला वो ए हो गया, का है अगर एक्सेस पे रहिएगा तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू ए होगा, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव एक्सेस में पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस में ही बनाएंगे तो आप सब कुछ सोच सकते हैं। थोड़ी देर में उस पर भी बात कर देंगे एक सवाल लेके, ठीक है। तो क्यूब को अच्छे से अगर देखना है या क्यूबॉइड को देखना है या टेट्राहेड्रन को ध्यान से देखना है, तो एक लाइन और वहां पे बोलना रह गया था कि जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो एक रिजल्ट है आपके पास कि 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, तो उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। या जो वहां का पॉइंट्स एक दो थ्योरी में दिख रहा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी भी आपको पढ़ना चाहिए। अब सारा चीज आप सोचिएगा कि एकदम लाइन बाय लाइन हम ही लिखे, तो कोशिश तो हम किए हैं, फिर भी कुछ बात आप आते रहते, आप कुछ पूछते रहते तो उससे भी कुछ कवर होता है ना, तो अपने हिसाब से तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा बात हो तो आप बताएंगे तो फिर उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। और उससे बेटर क्या है कि आप थोड़ा सा किताब के थ्योरी को भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि पता चला कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आता है निकालना, और 1/6 से गुना करना नहीं आएगा क्या, आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अच्छा वो नेगेटिव आ रहा है तो मॉड लगा दीजिए, काहे कि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना डिस्कशन कि दो पॉइंट है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ऐसे सोचिए कि एक पॉइंट है X1 Y1 Z1 और एक पॉइंट है X2 Y2 Z2, एक प्लेन है मान लीजिए ये इसको ये ऐसे बीच ये इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किए, तो यहाँ तक तो लाइन आएगा मान लीजिए, फिर ये नहीं दिखाई देगा फिर वो दिखाई देगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए मान लीजिए, प्लेन दिया हुआ है AX + BY + CZ + D = 0, तो प्लेन का इक्वेशन दिया है, पॉइंट दिया है, तो ये किस रेशियो में तोड़ेगा, किस रेशियो में इसको कट कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये जो है ए है ये बी है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम पी, तो हम एज्यूम किए कि लेट द रेशियो बी λ = 1, ठीक है। तो
पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन बाई लैम्डा प्लस वन, लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन बाई लैम्डा प्लस वन, लैम्डा जेड टू प्लस जेड वन बाई लैम्डा प्लस वन। ये पी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप जानते हैं कि पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द प्लेन, इज लाइंग ऑन द प्लेन, सो दिस पॉइंट विल बी सेटिस्फाइड बाय द प्लेन। तो यहां आ गया ए, यहां है लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन बाई लैम्डा प्लस वन, प्लस बी लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन बाई लैम्डा प्लस वन, प्लस सी लैम्डा जेड टू प्लस जेड वन बाई लैम्डा प्लस वन। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, प्लेन को थोड़ा सा ऊपर लिख दिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस पॉइंट विल बी सेटिस्फाइड बाय द प्लेन। तो आप एलसीएम ले लिए तो क्या मिला, लैम्डा प्लस वन। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है लैम्डा, अगर कॉमन ले लेंगे फर्स्ट को देखिए, सबके फर्स्ट को देखिए, या आप बोलेगा नहीं ऐसे ही लिखिए, तो ए लैम्डा एक्स टू प्लस ए एक्स वन प्लस बी लैम्डा वाई टू प्लस बी वाई वन प्लस सी लैम्डा जेड टू प्लस सी जेड वन प्लस डी लैम्डा प्लस डी बराबर जीरो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो कर दीजिए, और लैम्डा वाला टर्म को देखिए, तो लैम्डा का कोफिशियंट हो गया ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी, और बिना लैम्डा वाला हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर जीरो। तो लैम्डा क्या हो गया, इसको उधर ढकेल दीजिए, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी। तो इसका टाइटल क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, वो नहीं बना रहे अभी, पहले इधर है इसलिए नंबरिंग भी हटा दीजिए। इसका क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो इन विच प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो इज अ डिवाइड या डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू। ये मिल गया आपको, तो रेशियो चाहिए तो यहाँ से निकाल लीजिए। इसमें और क्या क्या बात हो सकता है वो देख लीजिए। अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2 और एक प्लेन यहाँ आया है जो इसको काटा है, मान लीजिए ऐसे, इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू वन। अब प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग को लैम्डा मिल चुका है, तो उस पर और क्या क्या बात कर सकते हैं। तो लैम्डा आया है माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी
डिवाइडेड बाय ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी। तो अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब होता है इंटरनल डिवीजन। क्या होता है? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि आप इसको ज्वाइन कीजिएगा पी और क्यू को तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, तो प्लेन इसके बीच में ही काटा होगा। और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है? बाहर काटा होगा। पी और क्यू विद इन दिस लाइन सेगमेंट नहीं काटा होगा, इस लाइन सेगमेंट के बाहर कटिंग हुआ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? इधर बाहर क्यू से पीछे या पी से इधर पीछे, क्यू के आगे या पी के पीछे अगर कट हुआ होगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्लेन, लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्लेन, ये हो गया ए। बी, अगर लैम्डा लेस देन जीरो, लैम्डा का वैल्यू याद रखिए यहाँ माइनस भी है, तो इसका मतलब होगा एक्सटर्नल डिवीजन। इसका मतलब क्या होगा? आप इसको लाइन से लिंक करके, जो लाइन कोऑर्डिनेट में पढ़े थे आप स्ट्रेट लाइन, उसे लिंक करके इस सब रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा लेस देन जीरो मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, तो पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ प्लेन, सेम साइड ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इतना बात को याद रखिए। ये बात हो गया कि भाई कोई प्लेन दो पॉइंट दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में तोड़ता है, तो इसे पहले बता दिए। अब कभी अगर चेक करना है कि वो दोनों पॉइंट प्लेन के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट एक राइट ऐसा कुछ है, तो उसको भी चेक कर सकते हैं इससे। अब हम लोग बात करना चाहते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एंगल बाइसेक्टर। तब फिर सवाल ले लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि लेट, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। तो लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल्स टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर जीरो, बी टू प्लेन्स, बी टू प्लेन्स। और ये जो इक्वेशन माने हैं कैसा है, ये जो लिखे हैं ये कैसा है? सच दैट डी वन कॉमा डी टू कॉन्स्टेंट को पॉजिटिव बना के, आपको अगर स्ट्रेट लाइन याद आ रहा हो तो उससे कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े थे कोऑर्डिनेट में शॉर्टकट, तो हम शॉर्टकट का ही बात करना चाहते हैं, शॉर्टकट से आना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये बीच में तीसरा प्लेन, तो अगर हम इस पे एक लाइन सिमेट्रिसिटी के साथ, इस पे एक लाइन, इस पे एक लाइन, तो लाइन जैसा भी दिखाई दे सकता है ना एंगल बाइसेक्टर में, अगर प्रॉपर ले तो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं ले तो। जैसे ये एक प्लेन है, इसके बीच में एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर प्रॉपर एक लाइन खींचे सिमेट्रिसिटी का ध्यान में रख के, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, तो तीन लाइन भी दिखाई देगा, दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर भी उसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो दूरी क्या होगा? अगर ऐसे भी आप देखेंगे तो कोई पॉइंट अगर लेंगे एंगल बाइसेक्टर वाले प्लेन पे, तो इस प्लेन का दूरी और उस प्लेन का पे दूरी क्या होगा? सेम होगा। तो
तो डिस्टेंस रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे क्या किए पहले कि डी वन और डी टू को पॉजिटिव बना लिए। तो ऐसे अगर जनरल सोचे तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता है कि भाई एक्स वन वाई वन जेड वन एक पॉइंट ले लिए एंगल बाइसेक्टर वाले प्लेन एंगल बाइसेक्टर वाले प्लेन पे, और इस प्लेन का दूरी और इस प्लेन का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और फिर एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह पे क्या डाल दें, एक्स वाई जेड। तो ये कैसा दिखता है, मॉड ऑफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन प्लस माइनस मॉड ऑफ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अच्छा यहाँ प्लस माइनस नहीं देंगे, अभी मॉड नहीं ना हटाए, अभी मॉड और ये बराबर। अब मॉड अगर हटाइएगा तो आप इसको लिख सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। यहाँ क्या कर दिए, प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी वो बोलता है क्या है कि भाई आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताइए, मतलब उसको डिस्टिंग्विश कर दीजिए। तो यहाँ के लिए एक शॉर्टकट ध्यान में रखिए, इस पे और बात स्ट्रेट लाइन में पिछले साल हुआ था, ठीक है, और करना होगा तो कर लेंगे। पहले इससे सवाल को बनाने पे जाइए, विद इन अ मिनट सवाल बने, दो मिनट में सवाल बने। पहला बात यह है कि डी वन और डी टू को पॉजिटिव बना चुके हैं, अब आप निकालिए ए, अगर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, जब स्ट्रेट लाइन में थे तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू निकालते थे, अभी क्या है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऑरिजिन लाई करता है ऑब्ट्यूज में, ऑरिजिन लाइज ऑन इन ऑब्ट्यूज एंगल, लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल। एक बात तो ये हो गया कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल में ऑरिजिन लाई करता है, और यहाँ पे ये प्लस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, और माइनस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। अगर एक और पॉइंट इसी में लिख दे तो खत्म हो जाएगा यहीं पे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अगर लेस देन जीरो है तो इसी को रिवर्ट कर दीजिए, जहाँ एक्यूट है वहाँ ऑब्ट्यूज लिख दीजिए, जहाँ ऑब्ट्यूज है वहाँ एक्यूट लिख। तो ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल, पहला बात। अगर लेस देन जीरो है तो ऑरिजिन किस में लाई करेगा, एक्यूट एंगल में, और यहाँ पे प्लस वाला देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो माइनस वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसको एक बार फिर से हम फेयर कर दें, अगर दोनों चाहिए तो यहीं से निकाल लीजिए, ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूज और एक्यूट अलग अलग चाहिए या ऑरिजिन किस में है ये देखना है तो आपको यहाँ आना होगा। तो इसके लिए एक चार्ट हम बना देते हैं और फिर सवाल ले लेंगे। देखिए सबसे पहला बात कि हम D1
डी वन कॉन्स्टेंट को पॉजिटिव बना के, अगर कॉन्स्टेंट का भी नेगेटिव है, -3 है, -2 है, तो हम एक -1 से गुना कर लेंगे। हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल्स टू 0 है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बराबर 0 है। यहाँ पे डी वन क्या है, ग्रेटर देन 0, डी टू क्या है, ग्रेटर देन 0। बोलेगा ऐसा नहीं हुआ, कोई प्लेन लिखे अगर वो पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2x-y प्लस 2z-6 इज इक्वल्स टू 0, तो कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, तो पहले एक -1 से गुना कर दिए दोनों साइड, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद क्या बना वो, जैसे वो प्लेन अगर आप देख पा रहे हो तो 2x-y प्लस 2z-6 इज इक्वल टू 0, तो इसको एक -1 से गुना कर दिए ऐसे। अब ये हो गया मेरा ए वन हो गया, समझे। अब ए वन हो गया -2, बी वन हो गया 1, सी वन हो गया -2, डी वन हो गया 6, ये समझे। तो कांस्टेंट को पॉजिटिव बना के ही हम ए वन बी वन सी वन डी वन ले रहे हैं, अगर नेगेटिव होगा तो ऐसे कर लेंगे, पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बात समझ गए। उसके बाद है कि भाई अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताइए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। अब दो बात हो सकता है, ये या तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या ये ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ये लेस देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो जो इसका नेचर है वही वाला साइन, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। सबसे पहला बात क्या बोले, ये ग्रेटर देन 0 है मतलब दिस इज पॉजिटिव, तो प्लस वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, माइनस वाला देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दो लाइन याद कर लीजिए। तो आपसे पूछे कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताइए, तो क्या बोलिएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 तो प्लस वाला देगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अगर इसी में बोलिएगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताइए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, माइनस वाला ले लीजिएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर, यहाँ क्या ले लीजिएगा, माइनस ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड प्लस डी टू बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी में बात अगर होगा कि ओरिजिन किधर लाई करता है, ऑब्ट्यूज एंगल में कि एक्यूट एंगल में, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्ट्यूज एंगल में। एक बात और यहाँ क्या याद रखना है कि ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसी तरीके से उसका लिख देते हैं, जगह कम है तो दूसरा केस दूसरा पेज में बना देते हैं, जल्दी से उसको कीजिए फिर आगे चलेंगे।
ऐसा ही बोल के निकल सकते थे यहाँ से कि एक्यूट की जगह पे ऑब्टूज, ऑब्टूज की जगह पे एक्यूट, ग्रेटर देन जीरो की जगह पे लेस देन जीरो, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप तुरंत तक बकाने लगेंगे। तो दूसरा केस क्या है, लेस देन जीरो। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि भाई माइनस वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और सॉरी हाँ ठीक है, लेस देन जीरो है तो माइनस वाला देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और प्लस वाला देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया। और अगर आप बोलिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अभी लिखिए, तो क्या लिखेंगे, पूरा ही बात लिख देते हैं। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ऑप्टिव लिख रहे हैं, कौन देगा, माइनस वाला। तो यहाँ लिख देंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। और अगर आप बोलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो प्लस वाला देगा, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। बोलेगा ऑरिजिन तो ग्रेटर देन जीरो था तो ऑब्ट्यूज में आया, तो लेस देन जीरो है ये, तो क्या होगा, एक पॉइंट और, ऑरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल। तो इससे आप स्ट्रेट लाइन का भी बात को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में भी था ना, जो क्वाड्रेंट में पढ़े थे वो पूरा बात उसमें ये नहीं था, बाकी सब बात सेम ही रहेगा। तो दोनों को रिवाइज कर लीजिए, प्लेन भी बना लीजिए और स्ट्रेट लाइन को भी, जो पुराना क्वाड्रेंट में जो स्ट्रेट लाइन पढ़े उसका भी सारा रिजल्ट रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है, और चैप्टर को समाप्त करते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। तो इमेज प्लेन जो है वो प्लेन मिरर का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो खाली मिड पॉइंट से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी अलोंग नॉर्मल। तो दो बातों का ध्यान रखते हैं, पहला सवाल बनाने के लिए, ये अगर कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट है 357, तो यहाँ ये 90 डिग्री, तो इससे उतना ही पीछे आ जाएंगे, यही लाइन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उतना ही नीचे आ गए। तो ये क्या है, पी डैश, मान लीजिए इसका नाम है अल्फा बीटा गामा। तो एक तरीका तो पुराना वाला हो सकता है कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें और मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपके पास प्लेन है तो नॉर्मल है, 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो नॉर्मल क्या हुआ, 2y प्लस जे प्लस के, ये पी पी डैश, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी पी डैश क्या होगा, अल्फा माइनस थ्री
कॉमा बीटा माइनस फाइव गामा माइनस सेवन, ऐसे लिख सकते हैं। आप बताइए पी पी डैश इज पैरेलल टू नॉर्मल, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशियंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थ्री बाय टू बीटा माइनस फाइव बाय वन गामा माइनस सेवन बाय वन बराबर के बोल देते हैं। तो अल्फा क्या आ गया, टू के प्लस थ्री, बीटा आ गया के प्लस फाइव, गामा हो गया के प्लस सेवन। तो देखिए अल्फा बीटा गामा नहीं है प्लेन में, इसीलिए हम उसी को निकालने गए। हाँ अगर इस पॉइंट का नाम बोलना चाहेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस थ्री मिड पॉइंट फार्मूला, ये दोनों क्या है बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तो अल्फा प्लस थ्री बाई थ्री बीटा प्लस फाइव बाई टू गामा प्लस सेवन बाई टू, तो दिस पॉइंट इज लाइंग अल्फा प्लस थ्री बाई टू कॉमा बीटा प्लस फाइव बाई टू कॉमा गामा प्लस सेवन बाई टू इज लाइंग ऑन प्लेन, वो प्लेन पे है तो इसलिए प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो 2 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है के टर्म में है तो वहाँ चलिए तो इसको पहले डाल दीजिए, 2 इंटू अल्फा प्लस थ्री बाई टू बीटा प्लस फाइव बाई टू गामा प्लस सेवन बाई टू बराबर जीरो। तो इसको ऊपर मिटा देते हैं, ये दोनों रहने देते हैं बस, बाकी सब मिटा देते हैं, अल्फा बीटा गामा इमेज है। तो चलिए तो अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या बन गया लास्ट लाइन, टू टू काट देते हैं, अगर टू काटिएगा भी तो फिर तो एलसीएम के लिए टू लेना ही होगा। तो ये क्या आ रहा है, टू अल्फा प्लस सिक्स प्लस बीटा प्लस फाइव प्लस गामा प्लस सेवन बराबर जीरो। तो ये आ गया टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, छः पाँच ग्यारह और सात अठारह बराबर जीरो। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के लिखा हुआ है तो डाल दीजिए, टू इंटू टू के प्लस थ्री प्लस बीटा के प्लस फाइव प्लस गामा के प्लस सेवन प्लस एटीन इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ रहा है फोर के प्लस के प्लस के, तो सिक्स के छः पाँच ग्यारह सात अठारह 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 छत्तीस, तो के बराबर क्या हो गया माइनस सिक्स। इमेज क्या है, इमेज है अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, टू के प्लस थ्री के प्लस फाइव और के प्लस सेवन। तो इसमें डाल दीजिए माइनस बारह प्लस तीन माइनस नौ माइनस छः प्लस पाँच माइनस एक माइनस छः प्लस सात एक आंसर। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे। रिड्यूस इन सिमेट्रिक फॉर्म, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना इक्वेशन ऑफ लाइन, रिड्यूस इन सिमेट्रिक फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो ये दो प्लेन है, तो ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए,
लाइन ऑफ इंटरसेक्स। तो ये जो आपसे पूछा गया है, ये क्या पूछ रहा है, ऐसे ही करके रिड्यूस इन सिमेट्रिक फॉर्म बोले, तो आपको क्या समझना है, इसे समझना है कि हमारे पास दो प्लेन दिया हुआ है, या उसी को दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि आपको फाइंड करना है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जो क्वेश्चन नंबर टू है वो क्या है, दूसरे शब्दों में फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। प्लेन दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 0, ये सवाल है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन को लिखने के लिए हमने वो क्या चाहिए, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, और दूसरा एक पैरेलल वेक्टर चाहिए और दूसरा एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग कैसा ले लेते हैं, पॉइंट ऐसा ले लेते हैं कि कभी ना कभी लाइन जेड एक्स वाई प्लेन पे आया होगा, तो यानी जेड जीरो हुआ होगा तो वहीं का पॉइंट ले लेते हैं, या कभी ना कभी वाई जेड प्लेन में गया होगा तो एक्स जीरो जीरो बीटा गामा भी ले सकते हैं। तो कोई एक पॉइंट, इन्फाइनाइट पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, तो कोई एक पॉइंट के सहारे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो पैरेलल वेक्टर के निकालने जा रहे हैं, तो n1 आपको पता है लाइन, ये इसका नॉर्मल वो क्या है, i माइनस j प्लस 2k। n2 है 3i प्लस j प्लस k, n1 और n2। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, n1 क्रॉस n2, तो आप चाहें तो वहां से पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हैं, उसी से हम लोग निकाल लेंगे पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन i j k 1 -1 2 3 1 1। तो ये क्या आया, i कैप -1 -2, लिख लीजिएगा ताकि जोड़ घटाओ ठीक रहे, माइनस j यहाँ लिख 1 -6 प्लस k कैप 1 -3, ऐसा आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, 3i -5j + 4k। तो पैरेलल वेक्टर निकल गया लाइन का। अब आपको चाहिए पॉइंट, तो लेट पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, पॉइंट जो लाइन पे होगा वो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो प्लेन पे भी होगा, प्लेन इनफाइनाइटली प्रोड्यूस होगा बी, कैसे मान लें, अल्फा बीटा जीरो। अगर कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन पे नहीं आ रहा होगा तो वाई जेड प्लेन पे जा रहा होगा, तो अगर इसे कोई दिक्कत हो या इसे कोई समस्या आए या ऐसा लाइन नहीं है, तो आप फिर इसको वाई को जीरो कर सकते हैं या अल्फा गामा ले सकते हैं, उसके सहारे लिख सकते हैं, या जीरो बीटा गामा लेके भी बना सकते हैं। तो हम लोग किसी से कोई एक पॉइंट चाहिए, तो कभी ना कभी लाइन एक्स वाई प्लेन में गया होगा, तो प्लेन प्लेन भी उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट बिटवीन दोज टू प्लेन। तो यहाँ क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा प्लस 0 = 5, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन में अल्फा बीटा 0, तो 3 α + β + 0 = 6। तो दूसरा इक्वेशन हो गया 3 α + β = 6, अगर जोड़ दें तो 4 α = 11, तो α = 11/4, तो बीटा कितना, तो बीटा इधर भेज दिए अल्फा माइनस 5, देखिए बीटा इधर भेज दिए, तो अल्फा माइनस 5, तो अल्फा है
11/4 माइनस 5, तो 5 20, 11 माइनस 20 9, ऐसा आ रहा है। तो पॉइंट क्या ले सकते हैं, 11/4 माइनस 9/4 कॉमा 0। तो इक्वेशन पैरेलल वेक्टर आ चुका है यहाँ, तो यहाँ तक मिटा देते हैं और ऊपर आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ तक मिटा दिए। अब आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा बाई ए, वाई माइनस बीटा बाई बी, जेड माइनस गामा बाई सी। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स माइनस अल्फा है 11/4, वाई माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस 9/4, जेड माइनस 0 बाई, ऐसे इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिख लीजिए, व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 3 5 4। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 5, यहाँ 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x माइनस 11 बाई 12, 4y प्लस 9/20, जेड बाई 4 बी द रिक्वायर्ड लाइन। मान लीजिए कि आप ये लिखे और वो इस पॉइंट के सहारे नहीं लिखा है, कोई और पॉइंट के सहारे लिखा है, तो आप दो लाइन, दो अलग अलग इक्वेशन सेम लाइन को कब रिप्रेजेंट कर सकता है, दो एक आप याद कीजिए, दो लाइन इक्वेशन अलग अलग दिख रहा है, चलिए उसको भी लिख ही देते हैं, ये समझ गए। तो हम लोग अगर ये पॉइंट लिए हैं अल्फा बीटा जीरो, तो ऐसा लिखाया, कोई ले सकता था जीरो बीटा गामा, तो उसका अलग दिखता। तो याद कीजिए पुराना बात कि अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन में, ऑप्शन से कैसे मिलाएंगे कौन सा सही है। तो मान लीजिए आपके पास, आप लिखे हैं ए वन वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, ऐसा है, ये आपका आया है। और सही ऑप्शन मान लीजिए, करेक्ट ऑप्शन में है, वो ऐसा लिखा है, एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। तो ये दोनों, ये करेक्ट कैसे हुआ कि आप लाइन को ऐसे लिखे, वो ऐसे लिखा, तो ये दोनों कॉन्साइडिंग लाइन होना चाहिए। तो कॉन्साइडिंग लाइन का देखिए कंडीशन, कॉन्साइडिंग लाइन्स का क्या कंडीशन है, तो पैरेलल वेक्टर दोनों, इसका जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर को भी लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो पहला का जो पैरेलल वेक्टर है, जैसे ये लाइन को पहला रिप्रेजेंट किया और दो दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका कंडीशन हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़े थे तभी बता दिए थे। इसके लिए दो कंडीशन है, क्या है कि दोनों का पैरेलल वेक्टर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू। और कॉन्साइडिंग लाइन कब होता है, आप जानते हैं, इस पे आने वाला पॉइंट एक्स टू वाई टू जेड टू है, उस पे आने वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो आप एक्स वन वाई वन जेड वन को ऑप्शन में डाल दीजिए, क्या वो तीनों बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है और प्रोपोर्शनल भी है तो वही सही ऑप्शन है, अगर दो दो तीन तीन वैसा दिख रहा है तो सब सही है, सब कॉन्साइडिंग है। इसके साथ क्या है, एंड इस पे आप एक्स, मान लीजिए एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट, आप ये आपका ऑप्शन आया था, ये ऑप्शन में है, और ये अगर सही वाला है तो ये और बात सेटिस्फाई करेगा कि इस पे भी एक्स वन एक्स एक्स वन वाई वन जेड वन आएगा बाई ए टू, वाई वन माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड वन माइनस जेड टू बाई सी टू, दोनों ट्रू होगा। अगर दोनों ट्रू होगा तो कॉन्साइड करेगा, या इसमें भी डाल सकते थे एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई टू माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड टू माइनस जेड वन बाई सी वन। ये अगर दोनों इनिक्वल, दोनों ये
कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ के इफ द पॉइंट 1, 2, 1 -2, 1, -1 वेयर टू बी ऑन द सेम साइड ऑफ प्लेन। तो आप पढ़े थे कि अगर एक पॉइंट x1, y1, z1 है और एक पॉइंट x2, y2, z2 है, ठीक है, इसको कोई प्लेन सेम साइड में आने का, इधर काटे या इधर काटे, इसका बात करना है। तो वेयर टू बी ऑन द सेम साइड ऑफ प्लेन, तो इसके लिए हम लोग प्लेन को कट कराए थे और ये रेशियो क्या लिए थे, मान लीजिए कि हम लोग इधर कट कराए, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो लैम्डा इज टू 1 रेशियो लिए थे। तो हम लोग को लैम्डा मिला था माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी। अगर ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तो अगर लैम्डा लेस देन 0 होगा, इस पे बात हम लोग कर चुके हैं, तो पॉइंट्स, तो इसका मतलब होता है लैम्डा लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन, ये हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, एक्सटर्नल डिवीजन। और यहाँ क्या आएगा, पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ प्लेन, ये बात डिस्कस कर चुके, यहीं से हम लोग क्लास शुरू किए थे। तो पॉइंट आपके पास ये जो दिया है वो दिया है 1, 2, 1 और ये दिया है -2, 1, -1, तो प्लेन इसको एक्सटर्नली काट रहा है, तो ये प्रोड्यूस हुआ होगा, ये ऐसे चलाओ, ये पॉइंट P है। अब पी ए बाई पी बी लैम्डा इज टू 1 है, ठीक है, तो ये सब तो हम लोग कर चुके हैं इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। प्लेन का इक्वेशन है 2x + 3y - kz, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन बोले, क्या कि xy प्लेन भी हो सकता है। फिर इसी तरीके से बात करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, और एक बात और करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू zx प्लेन। तो xy प्लेन के पैरेलल, मान लीजिए अगर ऐसे ही जमीन पे देखते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो xy प्लेन के पैरेलल, तो ये अगर जमीन देख रहे हैं ये दूसरा, तो जेड क्या होता है, जेड कांस्टेंट होता है, एक्स और वाई बदलता रहेगा लेकिन जेड क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अगर आप थ्रू आउट देखेंगे कहीं भी पैरेलल अगर बना दिए एक फिक्स प्लेन, तो उसमें क्या होगा, जेड बिलोंग्स टू, अगर आप देख रहे हैं तो जेड कांस्टेंट हो जा रहा है और ये एक्स और वाई बदल रहा है, ठीक है। तो आपको इसी पे सोचना है कि क्या करिएगा ताकि पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो जाए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, तो आप इसको
आप इसको एक्स वाई प्लेन करिएगा तब तो एक्स और वाई वेरी करता रहेगा, ठीक है, और जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए, पहले इसका बात कर ले, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, आप पहले ऐसे सोच लीजिए, तो अपने आप सब समझ जाइएगा कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो कहाँ लेके जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर कोई भी प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लीजिएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस आपको पता है ये एक्स एक्सिस, तो इसके पैर ये अगर एक प्लेन में आ जाएगा तो वाई और जेड आप बदलते, एक्स बदलते हुए, जैसे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, या एक लाइन में अगर छोटा सा बोले, ज़्यादा नहीं बोलते हुए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का फॉर्मेट होता है, मान लीजिए क्यू वाई प्लस आर जेड प्लस एस बराबर जीरो या बराबर एस, मतलब उसमें एक्स का टर्म नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक्स के कोफिशियंट को जीरो कर दीजिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा क्या आ गया माइनस थ्री, तो ये गायब हो जाएगा। तो टू इंटू माइनस थ्री, अब इसमें डाल दीजिए वैल्यू, तो टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस फाइव प्लस वन माइनस फाइव, माइनस आगे है तो फाइव वाई, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, माइनस नाइन प्लस फाइव फोर जेड, सेवन इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी वन माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी सेवन, तो बराबर ट्वेंटी सेवन, ये हो गया। आगे चलिए, अगर आप पैरेलल टू वाई से जाना चाहते तो वाई का कोफिशियंट को क्या कीजिए, जीरो कर दीजिए, तो माइनस टू लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा को क्या कर दीजिए माइनस हाफ डाल दीजिए वहाँ। अगर आप यहाँ आना चाहते तो सेवन लैम्डा माइनस सिक्स को क्या कर दीजिए जीरो, तो लैम्डा इज इक्वल टू सिक्स बाई सेवन, तो इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो आप उसको प्लेन से भी रिलेट करके देख सकते हैं, जो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो इस ये जो प्लेन आप देखिएगा एक्स वाई प्लेन, उस पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वो छोड़ के आप इसके बारे में पहले सोच लीजिए। और जैसे कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, तो अगर हम 2D पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है हम लोग को उस प्लेन में, कोई भी इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है एक्स और वाई के टर्म में दिखता है, तो आप उससे रिलेट करके कुछ सोच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एंड 3D। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में मिलेंगे, ठीक है। तो जो लगा के सवाल बनाइए, सब बनेगा कुछ भी। हाँ, अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो क्या कीजिए, जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे उस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हाँ, हमको पॉइंट दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, अच्छा ये दूसरा प्लेन है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंक्लाइंड है, सोचिए उसके बाद कंक्लूड कीजिए, तो सवाल बनेगा। यहाँ विजुलाइज करना पड़ता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के विजुलाइजेशन करना पड़ता है। तो अगर उस बात को फॉलो करेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।